Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifnan Khan and today we will discuss about vitamin D hormone and retinoid hormones. So let's start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vitamin D hormones, isko hum calcitriol bhi kehte hain aur iski jo active form hai usko 1,25 dihydroxycholecalciferol bhi kehte hain. Uske alawa hum isko diet se obtain kar sakte hain ya ye photolysis of 7 dihydrocholesterol se bhi produce ho sakta hai. और जब ये प्रोड्यूस होता है तो इसकी हाइड्रोक्सीलेशन होती है पहले लिवर में और देन किडनी लिवर में ये 25 पोजीशन पे होती है और लिवर के बाद किडनी में 1 पोजीशन पे होती है जिससे ये एक्टिव हो जाता है. इसको कैल्सीट्रायोल भी बोलते हैं. कैल्सीट्रायोल जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन्स के साथ मिलके कैल्शियम की होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करता है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है ब्लड में, कैल्शियम की डेपोजिशन एंड मोबिलाइजेशन फ्रॉम बोन्स इनको भी ये रेगुलेट करता है. इसके अलावा ये इंटेस्टाइनल कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाता है जो इसेंशियल है फॉर द अपटेक ऑफ डाइट्री कैल्शियम. नेक्स्ट, अगर आप इनएडिक्वेट डाइट्री विटामिन डी इनटेक ले रहे हैं तो या डिफेक्ट आ गया है बायोसिंथेसिस ऑफ कैल्सीट्रायोल में तो सीरियस डिजीजेस हो सकती हैं लाइक द रिकेट्स जिसमें बोन्स वीक हो जाती हैं और मेल फॉर्म्ड होती हैं. ये इनका स्ट्रक्चरल जो है वो कंपेरिजन है कि जो 7 डीहाइड्रो कोलेस्ट्रोल है ये और ये साथ विटामिन डी 3 है और ये इसकी 25 पोजीशन और ये 1 पोजीशन. जब यहाँ पे हाइड्रोक्सीलेशन हो जाती है तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज़ द कैल्सीट्रायोल. क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कैल्सीट्रायोल जो है वो किडनी में एक्टिव होता है तो इसका क्या काम है. ये कैल्शियम और फॉस्फेट की रिजॉर्प्शन को बढ़ा देता है, कैल्शियम मेटाबोलिज्म ऑफ बोन्स भी उसको भी बढ़ा देता है. नेक्स्ट इज़ द रेटिनॉइड हार्मोन्स. रेटिनॉइड हार्मोन्स जो हैं ये पोटेंट हार्मोन्स हैं. इनके भी न्यूक्लियर रेटिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट हैं और ये रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को एंड सर्वाइवल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स. और इनका जो सिंथेटिक पाथवे है इसमें प्रिकर्सर जो है बीटा कैरोटीन है और ये जैसे लिवर में जाता है तो ये विटामिन A1 रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. और उसके अलावा बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ जो हैं वो इसको रेटिनॉइक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं और सारे टिश्यू इसके टारगेट हैं. लेकिन अडल्ट में इसके टारगेट हैं कॉर्निया, स्किन, एपिथेलिया ऑफ लंग्स एंड ट्रैकिया एंड इम्यून सिस्टम. इसके अलावा ये रेगुलेट करता है उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस को दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. सो आई होप यू गेट द आइडिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.